जाने से यार ऐसा आया निखार जैसे आई बहार हो नहीं तेरे। तो दोस्तों आप भी अगर इस तरह स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो अपना फोन पे, तो सबसे पहले आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप का नाम है एबी प्लेयर। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एबी प्लेयर प्रो का लिंक दे दिया हूँ, उसी लिंक से आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह वीडियो पाने के लिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ऐप डाउनलोड करने के बाद ये जो ऐप है इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो सबसे ऊपर में जो बॉक्स की तरह आइकन होगा उधर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे बीच में लिखा रहेगा लोड फ्रॉम फाइल, तो इधर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको एक टेम्पलेट डाउनलोड करना पड़ेगा। टेम्पलेट का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जाकर डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको मेरा दिया हुआ लिंक से कोई भी फाइल डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा टेम्पलेट डाउनलोड कैसे करें, वो वीडियो जाकर पहले देख लीजिए। टेम्पलेट डाउनलोड होने के बाद जिस फोल्डर पर रहेगा उस फोल्डर को ओपन करना है। उसके बाद टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है। टेम्पलेट का जो नाम रहेगा विजुअलाइजर AP187। टेम्पलेट सिलेक्ट करने के बाद देखिए लास्ट में जो बॉक्स है इधर आपको क्लिक करना है। उसके बाद बैकग्राउंड पर कुछ इस तरह आ जाएगा। ऊपर में सेकंड नंबर पे जो पेंसिल का आइकन होगा उधर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ऑडियो प्रोवाइडर के नीचे जो इमेज लिखा है उधर आपको क्लिक करना है। उसके बाद राइट साइड में इमेज पे क्लिक करना है। उसके बाद कास्ट इमेज पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आके पिक इमेज पे क्लिक करके इधर आपको इमेज सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस इमेज पे आप वीडियो बनाना चाहते हो। तो मैं इधर एक इमेज सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और इसका लिंक भी आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको एक ही लिंक पर दोनों फाइल मिल जाएगा। उसका नीचे देखिए एक इमेज लिखा है उधर आपको क्लिक करना है। उसके बाद राइट साइड में देखिए एकदम नीचे लिखा है जेनरेटेड एल्बम आर्ट, उधर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए नीचे एक तीन नंबर पे एक टिक है तो उसको आपको अनटिक कर देना है। उसका नीचे देखिए और एक इमेज लिखा है उधर आपको क्लिक करना है। उसके बाद राइट साइड में नीचे देखिए एक फिर से वही जेनरेट एल्बम आर्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आके इधर आपको अनटिक कर देना है। उसके बाद देखिए इधर तीन ब्लूर इफेक्ट आपको मिल जाएगा, तो आपको फर्स्ट वाला ब्लूर इफेक्ट को ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद राइट साइड में जनरल पे क्लिक करना है। उसके बाद इधर आपको विजिबल कर देना है। उसका नीचे और एक ब्लूर इफेक्ट है उधर आपको क्लिक करना है। उसके बाद राइट साइड में इधर आपको जनरल पे क्लिक करके इधर आपको विजिबल कर देना है। उसका नीचे और एक ब्लूर इफेक्ट लिखा है उधर आपको क्लिक करना है। उसके बाद राइट साइड में जनरल पे क्लिक करके इधर आपको विजिबल कर देना है। उसके बाद बैक आ जाना है। उसके बाद देखिए लेफ्ट साइड में ऊपर में जो तीन लाइन है उधर आपको क्लिक करना है। उसके बाद लाइब्रेरी पे जाना है। लाइब्रेरी पे जाने के बाद इधर आपको गाना सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस गाने पे आप वीडियो बनाना चाहते हो। गाना सिलेक्ट करने के बाद फिर से वही तीन लाइन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद विजुअलाइजर पे जाना है। उसके बाद देखिए राइट साइड में ऊपर में एक एरो का आइकन होगा उधर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इधर आपको एक सेटिंग करना पड़ेगा। इधर देखिए लिखा है प्रीसेट, तो इधर आपको चॉइस प्रीसेट पे क्लिक करना है। सबसे ऊपर में जो ऑप्शन आएगा उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आके इधर आपको एक्सपोर्ट पे ही क्लिक करके वीडियो सेव करना है, तभी आपका जो वीडियो है फुल वीडियो में सेव होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह वीडियो पाने के लिए तब तक के लिए जय हिंद।